नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम। एक बार फिर हाजिर हैं हम कोरोना पर हमारी इस खास पेशकश को लेकर। आज से देश भर में लॉकडाउन पार्ट टू शुरू हो चुका है। 21 दिन तक चले लॉकडाउन के बाद भी प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल इंदौर और भोपाल का है। इसके साथ ही जिला और तहसील स्तर पर भी कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पहले दिन से ही आपको जमीनी हकीकत लगातार दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स और ब्यूरो के बड़े नेटवर्क के कारण हम लगातार आपको तहसील स्तर तक कोरोना से निपटने की तैयारियों से रूबरू कराते आए हैं। इसी क्रम में आज हम चलेंगे जिला श्योपुर, मुरैना और रायसेन, साथ ही बात करेंगे तहसील विजयपुर, अम्बाह, कैलारस, सिलवानी और मंडीदीप की। रोज की तरह हमारे साथ इंदौर के ब्यूरो चीफ भी इस पूरी चर्चा में मौजूद रहेंगे। साथ ही हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। तो हमारे साथ इस चर्चा में स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी सर मौजूद है। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा मध्य प्रदेश में सामने आ रहा है और यह आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। 441 मरीज मध्य प्रदेश में आज हो गए हैं कोरोना के, और लगातार डराने वाली भी बात है ये। बिल्कुल, हम अपनी कोई टिप्पणी करें इसके पहले हमारे साथ निर्मल भी है और विकास सिंह सोलंकी हमारे साथ। विकास से एक बार बात कर ली जाए कि क्या है, पहले निर्मल से पूछ लेते हैं। निर्मल सर, क्योंकि भोपाल भी हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, कुल कितना आंकड़ा है निर्मल, हम जानना चाहेंगे प्रदेश भर में कुल कितना आंकड़ा है। और जैसा कि कल विकास ने बोला था कि जो मेडिकल रिपोर्ट आती है, जो बुलेटिन आता है, उसमें भोपाल में जो आंकड़े बताए जाते हैं, इंदौर में जो आंकड़े बताए जाते हैं, उसमें काफी डिफरेंस रहता है। विकास ने कल बताया था। खैर, आप बताए क्या आज प्रदेश भर की क्या स्थिति है। देखिए, आज पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 850 के ऊपर यह आंकड़ा पॉजिटिव का जा रहा है। और पर्टिकुलर अगर भोपाल की बात की जाए तो कल आपको ध्यान होगा कि 158 यानी कि 198 मरीज थे, और आज सुबह से इस आंकड़े में अधिकृत रूप से 6 पॉजिटिव मरीज और जुड़ चुके हैं। तो भोपाल का आंकड़ा 166 यानी कि 166 पर जा चुका है। और एक अच्छी बात यह है कि एम्स हॉस्पिटल, जिसपे तमाम आरोप लग रहे हैं नेग्लिजेंसी के, मरीजों कई शिकायतें आ रही हैं मरीजों की, वहां से डिस्चार्ज होकर 4 मरीज घर जा चुके हैं। जी। और कुछ आपको प्रदेश भर का भी आंकड़ा मालूम है कुछ? जी, 850 के ऊपर यह आंकड़ा अभी फिलहाल इस समय हो चुका है। जी, चलो इंदौर की क्या आपसे बात करें, इंदौर के विकास से ही बात कर लेते हैं। विकास, इंदौर में अप्रत्याशित रूप से जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों की संख्या बढ़ी है, ये अप्रत्याशित है। हालांकि थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि चूंकि सैंपल कम लिए जा रहे थे, सैंपल एक साथ बहुत सारे गए और उन सैंपल्स की जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 100-150 के लगभग वहां पेशेंट मिले, लेकिन ये अभी भी शंका कुशंका जाहिर है कि जो 1100 के लगभग जो सैंपल गए थे, 1150 के दिल्ली, क्या ये उनकी रिपोर्ट है या अलग से रिपोर्ट है ये? निश्चित रूप से जो दिल्ली विशेष विमान से जो सैंपल पहुंचाए गए थे उसके अंदर 400 से ऊपर सैंपलों की जांच अभी हो पाई है, जिसमें 200 सैंपल जो थे वो इंदौर के थे। और अगर बात करें 200 के अंदर से 117 लोगों की कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही इंदौर का आंकड़ा 544 तक पहुंच गया। कहीं ना कहीं प्रशासन, राज्य सरकार इसके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मात्र 200 सैंपल में से 117 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाना कहीं ना कहीं इंदौर के लिए लगातार मुसीबत बनता जा रहा है। लगातार इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी विकास, ये जो स्पेशल प्लेन से जो इंदौर से दिल्ली भेजे गए थे, क्या ये इनकी रिपोर्ट है कि अलग से कोई रिपोर्ट है? जो 400 से उनके अंदर से 117 सैंपल जो है वो इंदौर के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बताई गई है। विकास रोकना चाहूंगा, 1180 के करीब सैंपल गए थे ना दिल्ली? जी, 1142 सैंपल दिल्ली पहुंचाए गए थे, जिसमें से 400 लोगों की जो है जांच वहां पर हो पाई थी, जिसमें 200 सैंपल जो है वो इंदौर के थे। आपको बता दें कि जो 1142 सैंपल जो थे उसके अंदर इंदौर जिले के साथ साथ इंदौर के आसपास के 3-4 जिलों के भी मरीजों के सैंपल है। बाकी अगर बात करें तो इंदौर के जो मरीजों के सैंपल की संख्या है उसमें ज्यादा तादाद है। यही कारण है कि इंदौर में जो जांच रिपोर्ट आई है, 200 लोगों के सैंपल इंदौर के थे, उसमें 117 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।
तो मतलब अभी लगभग 700 सैंपल आने बाकी है। निश्चित रूप से 700 सैंपलों से ज्यादा की संख्या अभी जो है उसकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। संभाव्यता आज रात तक वो रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगता है कि जिस तरह से 200 लोगों में 117 आए हैं, अगर उसका हम आंकड़ा लगाते हैं तो 62% लोग जो 200 कहते हैं उसमें 62% लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अगर बात करें 700 में अगर इंदौर के 500 सैंपल की होते हैं तो यह आंकड़ा लगभग बढ़ने वाला है और ज्यादा ही जो आंकड़ों की सगार है वो लगातार इंदौर में बढ़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो 500 सैंपल आएंगे उसके अगर इंदौर के होते हैं तो उसकी जो जांच रिपोर्ट आती है अगर इसका प्रतिशत से अनुमान लगाया जाए तो काफी ही चौंकाने वाले आंकड़े इंदौर के आने की संभावना है। विकास, निश्चित रूप से आप कितनी संख्या हो गई है ये अपने आप में बहुत गंभीर पहलू है, लेकिन क्या ये सैंपल जो गए थे उसके अलावा क्या और सैंपल लिए गए हैं कल और आज में? जी बिल्कुल, इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंदर 200 से ज्यादा सैंपलों की जांच रोजाना होती है, उसकी संख्या जो है वह अलग ही है, लेकिन जो दिल्ली पहुंचाए गए थे उन सैंपलों की संख्या अलग है। अगर बात की जाए इंदौर की तो इंदौर में रोजाना 200 से 250 मरीजों के सैंपल ली जाती है, जिसमें इंदौर के जिले के अलावा भी अलग जिलों के सैंपल रहते हैं। अगर बात करें 200 के लगभग इंदौर जिले की रहते हैं, वही अन्य जिलों के भी सैंपल इसमें रहते हैं। वही अगर बात करें कोरोना संक्रमण क्षेत्रों की तो इंदौर के अंदर कोरोना संक्रमण क्षेत्रों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर बात करें पहले इंदौर के आसपास के जो पुराना इंदौर कहा जाता था उसके आसपास के क्षेत्र ही थे, लेकिन अब इंदौर की तहसीलों में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वह लगातार सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार उन क्षेत्रों में जाकर लोगों की जांच कर रहा है। अगर बात की जाए तो कल के आंकड़े 4500 लोगों की जांच स्वास्थ्य विभाग के अमले ने की थी, जिसमें 200 लोग जो थे सर्दी खांसी जुकाम उनके मरीज मिले थे, लेकिन जो मोबाइल वैन चल रही उनके डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी तो उनको कोरोना के संक्रमित या ऐसे कुछ लक्षण नहीं पाए गए थे, जिसको उनकी दवाई देकर उन्हें होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई है। वही अगर बात करें इंदौर से सटे सावेर राव महू के अंदर भी लगातार कोरोना पॉजिटिव संक्रमण मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जी, इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो 400 सैंपल आए हैं ये ज्यादातर क्वारंटाइन इनको कर दिया गया था, इनकी रिपोर्ट जरूर नहीं आई थी, इनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, क्या ऐसा है या आइसोलेशन में भेज दिया था वो ज्यादातर है इसमें? बिल्कुल, जिन लोगों की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनको पहले से ही स्वास्थ्य विभाग के अमले ने 1-2 हफ्ते से उन्हें क्वारंटाइन कर रखा है। उसके बाद जो जांच की कमी आ रही थी उसके लिए दिल्ली पहुंचाए गए थे और दिल्ली के बाद जैसे आए उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। वहीं उसके पहले क्वारंटाइन करने के पहले जिन जो मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उन किन किस के आपस में टच हुए थे, किन किन से मिले थे, उसकी जांच भी स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार कर रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें क्वारंटाइन करने की कोशिश की जा रही है। बात करें इंदौर के अंदर तो कई लोगों को जो संक्रमित क्षेत्र है उसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को क्वारंटाइन करने का काम इंदौर स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जी, ये थोड़ा सा राहत की खबर ये है कि ये क्वारंटाइन थे पहले से, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनने और फैला दिया होगा दूसरे जगह, लेकिन पहले जो फैला दिया होगा वो अलग बात है। विकास, तो अब कुल मिला के इंदौर में पूरे शहर में चारों तरफ फैल गए, पर्टिकुलर कोई एरिया है जहां से ज्यादा पेशेंट मिल रहे हैं? जब पर्टिकुलर बात की जाए तो जहाँ शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे जैसे रानीपुरा है, आजाद नगर है, चंदन नगर है, हाथीपाला है, जूनी इंदौर है, उन क्षेत्रों से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी उनके संपर्क में आने से लगातार जो क्षेत्रों की बात करें तो उन क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर इंदौर में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रों की बात की जाए तो 100 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, 100 से 130 ऐसे क्षेत्र है जहां पर क्वारंटाइन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो मिल रहे हैं। लगातार उनकी जांच उन क्षेत्रों की जांच की जा रही है। 3 किलोमीटर के उन क्षेत्रों के दायरे को कहीं ना कहीं सील भी जो है प्रशासन ने कर रखा है। प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ इसको लेकर 250 टीमें जो है स्वास्थ्य विभाग ने बनाई है और 250 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की उन क्षेत्रों की जाँच कर रही है जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों की ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जी, ये जो 550 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, क्या इतनी व्यवस्था है इंदौर में कि सबको अलग अलग वार्ड दिया जाए क्वारंटाइन के लिए? वार्ड वार्ड जी भी
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज भी जो इंदौर के सीएचएमओ है डॉक्टर प्रवीण कुमार जड़िया ने बताया है कि 600 और आइसोलेशन वार्ड के जो आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिए गए, जिससे इंदौर की कैपेसिटी 800 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखभाल करने की हो चुकी है। वहीं अगर बात करें तो रेलवे ने भी रेल के जो कोचेस के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड तैयार थे उसमें 14 तारीख तक उन्हें मास्क तैयार करना था, ऐसे 70 जो है आइसोलेशन वार्ड इंदौर के रेलवे के कोच के अंदर भी है। तो अगर बात करें तो 870 से ज्यादा जो मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव के उनके लिए आइसोलेशन वार्ड की प्रशासन ने पूरी तरह व्यापक व्यवस्था कर रखी है। वहीं क्वारंटाइन मरीज की बात की जाए तो इंदौर के कई गार्डनों को, कई मेरिज पार्क को क्वारंटाइन मरीजों के लिए बनाया गया है, वहां पर उन मरीजों को रखा जा रहा है। जी कोई सवाल? एक सवाल और है मेरा विकास से, टाटपट्टी बाखल इलाके में डॉक्टर्स की टीम पर वहाँ के लोगों ने हमला किया था, पुलिसकर्मी भी उसमें थे विकास, तो वहाँ खबर ये भी आई कि वहाँ के कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो फिलहाल वहाँ की क्या स्थिति है उस इलाके की? जी जो टाटपट्टी बाखल की बात की जाए तो वहां से लगभग 7 से 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, और जैसा कि चंदन नगर क्षेत्र के अंदर भी वहां पर जो पथराव हुआ था वहां पर से भी जो मिले थे उनके ऊपर 4 लोगों के ऊपर रासू का पुष्ट लगाई गई थी, जिसमें 2 जो सतना और रिवान पहुंचाया गया, वही इंदौर के एक जो आरोपी था उसको इंदौर की सेंट्रल जेल के अंदर भी रखा गया था, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिससे इंदौर की सेंट्रल जेल में भी हड़कंप मचा हुआ है, और फटाफट जो सेंट्रल जेल प्रबंध है वह जो सिपाही थे वहां के या जो जेल के अंदर उन्हें लेके जवान आए थे उन लोगों की जांच भी लगातार कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अगर बात करें अब जो जेल के अंदर भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गया है, जिससे जेल में भी हड़कंप मचा हुआ है। जी मतलब चंदन नगर और बाखल पट्टी यहाँ पे ज्यादा पेशेंट है कि यहाँ कम है, दूसरी जगह ज्यादा है? अगर ज्यादा पेशेंटों की बात करें तो चंदन नगर और टाटपट्टी बाखल को छोड़ के अगर बात करें तो रानीपुरा, हाथीपाला, जुराना, आजाद नगर, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो 200 से 300 जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव इन्हीं इलाकों में रहने वाले हैं। जी त्रिपाठी जी, 550 से ज्यादा संख्या इंदौर में होती जा रही है और 700 लोगों की शाम तक और रिपोर्ट आनी है, तो 700 लोगों की रिपोर्ट हाँ, मतलब और क्या होता है वो बता दिया जाने वाली है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें 62% पॉजिटिव निकल आए हैं। चलो विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार निर्मल के पास और चलते हैं, भोपाल से जुड़े हुए जान लेते हैं। निर्मल, आप थोड़ा सा पूरे प्रदेश की स्थिति जानना चाहेंगे? निर्मल आवाज आ रही? हाँ जी बोलिए। प्रदेश की स्थिति क्या है कुल मिला के थोड़ा सा जानना चाहिए। एक बड़ी खबर यहाँ पर ये आ रही है कि कल जो बांद्रा में घटना हुई थी, जिस तरीके से वहाँ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और अप्रवासी मजदूर थे, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश सरकार ने सबक लिया है, और शायद तो पूरे देश में मध्यप्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए जो मजदूर हैं और जो गरीब हैं उनके खाते में 1,000 रुपए राज्य सरकार डालेगी, और इसके लिए मुख्यमंत्री ने जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको एक तरह से अधिकृत कर दिया और उनसे कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र के ऐसे मजदूर और जो गरीब दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी सूची उनके बैंक खाते समेत अगर सरकार को देंगे तो उनके खातों में तत्काल 1,000 रुपए डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ये भी कोशिश है कि इस तरह के जो दूसरे राज्यों में मजदूर फंसे हैं भोपाल मध्यप्रदेश के और जो गरीब इंसान फंसे हुए हैं उनको जो है खाने पीने की व्यवस्था भी किसी तरह से वहां की सरकार से राज्य सरकारों से बातचीत करके सुनिश्चित की जाए। तो एक बड़ी खबर आज की यहां पर ये निकल के आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री ने तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए ये निर्णय लिया है। जी चलिए, मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, आज से गेहूं खरीदी की भी चालू हुई है, बहुत सारी बातें हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या भोपाल में और भी हॉट स्पॉट बढ़े हैं क्या कंटेनमेंट क्षेत्र? भोपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, मुझे लगता है कि भोपाल में इतना बड़ा सर्वे या इतनी बड़ी जांच अभी तक नहीं की गई होगी। जहांगीराबाद इलाके में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा सर्वे शुरू किया जिसमें कि 17 टीमें बनाकर पूरे जहांगीराबाद इलाके में एक साथ उतारी गई हैं और 80 जो हैं कर्मचारी और अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। संक्रमित व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट बाद में आई थी और पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, लिहाजा और यहाँ पे करीब 3 से अधिक पॉजिटिव मरीज भी पाए गए,
तो कहीं ना कहीं सरकार को जहांगीराबाद इलाके में, जो कि नए शहर से सटा हुआ इलाका कहा जा सकता है, सामुदायिक संक्रमण की आशंका भी यहाँ पर नजर आ रही है। यही वजह है कि पहले दिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है 5000 सैंपल लिए गए और इसमें से करीब 10000 जो सैंपल हैं ये दिल्ली भेजे जाएंगे। 5000 सैंपल का लक्ष्य है, माफ कीजिएगा, और 1000 सैंपल कल लिए गए हैं और 10000 जो है जो सैंपल लिए गए, तो जो इनका टारगेट है वो ये 10000 जो सैंपल लिए गए पूरे प्रदेश से है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा टारगेट जहांगीराबाद इलाके में इस समय स्वास्थ्य महकमे कर रखा है। तो जो सरकार की तैयारी और जिस तरीके से जहांगीराबाद में व्यापक तौर पर एक साथ टीमें उतरी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसा अभी इंदौर की बात कर रहे थे, तो सरकार ये आशंकित है कहीं उसी तरह का मामला जहांगीराबाद में भी नहीं निकले और ये सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। जब इनकी जांच रिपोर्ट आएगी तब इस बात का खुलासा होगा कि सरकार की आशंका कितनी ज्यादा सही थी। जी सवाल आपका भी, अगले 10000 सैंपल अकेले जहांगीराबाद इलाके से अपने आप में चिंता के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें से निर्मल साहब 1000 सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे, बाकी 9000 सैंपल का क्या होगा? देखिए, कुल टोटल सैंपल 5000 लिए जाएंगे, कल की डेट में 1000 सैंपल लिए गए और लगभग इतने ही सैंपल आज भी लिए जाएंगे। करीब कल जो है 10000 लोगों की जांच की सूचना है जो कि विभाग द्वारा बताई गई है, और उसमें जांच इन द सेंस की इनकी स्क्रीनिंग की गई है, तो जिनमें भी थोड़े लक्षण लग रहे हैं वहां के स्थानीय निवासियों में उनके जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। जी नहीं, आपने कहा 10000 टोटल सैंपल लिए जाएंगे जिसमें 1000 दिल्ली भेजे जाएंगे। 5000 कुल सैंपल लिए जाएंगे, उसमें से सभी सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे, क्रमशः 1000 सैंपल जो लिए गए हैं वो दिल्ली भेज दिए जाएंगे और उसके बाद जो 8 सैंपल लिए जाएंगे वो भी दिल्ली भेज दिए जाएंगे। जी, उसके बाद दो दिन बाद रिपोर्ट मालूम पड़ेगा। मतलब कुल मिला के अभी जो आप बता रहे हैं कि 5000 है, ये अभी प्राइमरी वो है जिसमें उन्होंने फीवर तो नहीं है, कैसा है, आज शाम को भी दिल्ली भेजे जाना है, संदेही कोई मिलता है तो उसको शायद सैंपल लेके और उनको भेजा जाए, ये पहली रिपोर्ट है। कुछ और भोपाल में जो आपसे मैंने पूछा था, कुछ और एरिया कंटेनमेंट किए गए? नहीं है, देखिए कंटेनमेंट इलाके तो अभी करीब वही 75 और 80 के आसपास ही हैं, इनमें फिलहाल इजाफा नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भोपाल के अब तक जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 6 मरीज अभी तक सुबह से लेकर बढ़े हैं, और क्योंकि अधिकतर उन्हीं इलाकों के हैं जहां पे ऑलरेडी कंटेनमेंट किया गया है, इसलिए इनमें इजाफा फिलहाल नहीं हो सका है। जी, और एक बड़ी खबर बीएमएचआरसी से जुड़ी जरूर है कि वहां जो करीब जो 5 मौतें हुई हैं भोपाल में, वो सभी गैस पीड़ित थे और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों से पहले से ही पीड़ित थे, और बीएमएचआरसी को चूंकि कोरोना सेंटर बना दिया गया था, तो राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य महकमे ने यह निर्णय ले लिया है, वापस ले लिया है कोरोना सेंटर बनाने का, और अब गैस पीड़ितों के लिए बीएमएचआरसी के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए गए हैं। निर्मल हमें एक मिनट रोके, हमारे साथ जुगल किशोर शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे शिवपुर के जिला प्रमुख है। शिवपुर जुगल जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ, पहुंच रहे सर। तो शिवपुर में क्या हाल है, वहां भी पॉजिटिव शायद पेशेंट पा गए हैं? हाँ सर, यहाँ पे 188 सैंपल लिए गए हैं सर, जिसमें से 87 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 3 पॉजिटिव आए हैं, तो बाकी जो 182 सैंपल बाकी, हाँ, तो 95 सैंपल अभी आए नहीं है सर, और यहाँ से सैंपल सर ग्वालियर DRDOI में जाते हैं, जो वहाँ से लेट होकर के आते हैं। जी, तो ये जो 3 पॉजिटिव पाए गए हैं ये कहाँ हैं अभी? ये तीनों अभी इस वक्त ग्वालियर JMH हॉस्पिटल में भर्ती है सर। चलिए, इनके किस मोहल्ले के हैं ये कुछ बता सकते हैं? ये शोपुर के हसनपुर हवेली बंजारा डैम के ऊपर है, जो वो पूरे उसको सीन कर दिया गया है, और जहाँ पर ये रहते हैं तीनों ही। क्वारंटीन, ये क्या निचले तबके के हैं, गरीब परिवार से हैं? हाँ, गरीब परिवार के हैं, इनके पिताजी इंदौर से शोपुर आए थे, उसके बाद बेटे को पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद इनकी बिटिया है जो गर्भवती है उसको भी पॉजिटिव पाया गया, और पड़ोस में भी एक और जो रहता है वो भी पॉजिटिव पाया गया है। क्या नाम है पिताजी का? पिताजी का नाम रशीद खान है। मतलब ये इंदौर से आए थे, फिर वही कनेक्शन जुड़ गया, इंदौर से कनेक्शन जुड़ा, और उनकी बेटी है शबनम खान और एक पड़ोस में रहता है इलियास खान। ये सभी पाए गए, इनके पूरे परिवार में अभी और बहुत सारे लोग हो गए, उनका सैंपल ले लिया गया?
बाकी लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं, 6 सैंपल भेजे थे जिसमें से 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव पाए गए। चलिए बहुत बहुत। और वहाँ जो जुगल वहाँ सामान वगैरह क्या स्थिति है, प्रशासन क्या कर रहा, क्या होम डिलीवरी दे रहा है कि थोड़े बहुत किराने की दुकानें खुली है? यहाँ पे प्रशासन शुरू में जिस टाइम पर ये पॉजिटिव पाए गए थे उस टाइम पर करीबन इन्होंने 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया था, फिर उसके बाद इन्होंने उसको होम डिलीवरी में परिवर्तित कर दिया। आज स्थिति ये है कि ये होम डिलीवरी से ही चल रहा है मगर कर्फ्यू हटा दिया गया है। मतलब लोग किराने की दुकानें नहीं खुली, सब्जी वगैरह कैसे लेते हैं? सब्जी वाले मोहल्ले में डिवाइड कर दिए गए हैं, 2-2 ठेले वालों को मोहल्ले में बेचने के लिए लाइसेंस दे दिए गए, ठेले वालों को लाइसेंस दे दिए गए हैं, यानी कि यह है कि व्यवस्था वहाँ पे चल रही है। तो लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं लोग जुगल किशोर वहाँ पर? लॉकडाउन का तो ठीक से पालन हो रहा है लेकिन कुछ जगह पे इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसे ये जो ये बैंक है और बैंक के अलावा जो ये कियोस्क सेंटर है जहाँ से लोग बस पैसे निकालते हैं वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जहाँ प्रशासन सख्ती नहीं बता पा रहा। चलिए जुगल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सारी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर निर्मल जी के पास चलते हैं। निर्मल, अभी आप बता रहे थे कुछ नई जानकारी आप दे रहे थे। देखिए अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि पूरे जो है 52 जिलों के लिए मुख्यमंत्री ने जो IAS अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है, 11 अधिकारी इसके लिए निर्देशित किए गए हैं और खुद मुख्य सचिव जो हैं उनके लिए 3 जो सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जिले हैं भोपाल इंदौर और उज्जैन, तो इस पर निगरानी का काम जो है खुद मुख्य सचिव करेंगे। तो ये एक जो कोरोना की महामारी का जो कहर है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया है और 11 अधिकारियों को ये तमाम जिलों के लिए अधिकृत कर दिया है। जी जी। और कुछ निर्मल से सवाल? निर्मल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। निर्मल जी, कोरोना को लेकर भोपाल के रहवासी जो लॉकडाउन के बीच किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और जो निचले तबके के लोग हैं जो रोज मजदूरी करते थे, रोज अपना पेट पालन करते थे, उनकी क्या स्थिति? क्योंकि स्वराज एक्सप्रेस एकमात्र ऐसा चैनल है जो हर किसी की आवाज को बुलंद करता है, सरकारों तक पहुंचाता है, तो आपसे जानना चाहेंगे, जरा विस्तार से बताएं। देखिए निश्चित तौर पर स्वराज एक्सप्रेस ही एकमात्र एक ऐसा चैनल है राजधानी का जो अपने स्वराज किचन के जरिए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब तक लॉकडाउन खत्म होगा तब तक ये जो उसकी जन सरोकार से जुड़ी हुई जो स्वराज किचन है वो जारी रहेगी। तो स्वराज एक्सप्रेस तो अपनी पहल कर रही रहा है, सामाजिक संगठन कर रहे हैं, नगर निगम कर रहा है, तो जो दिहाड़ी और रोज कमाने खाने वाले हैं उन तक जो है इस तरीके के जो संगठन हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं कि उन तक भोजन सामग्री पहुंचे। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसके बावजूद कुछ एक लोग ऐसे रह जाते हैं जिन तक ये राहत सामग्री नहीं पहुंच पाती, तो इसमें व्यापक तौर पर नगर निगम को भी प्रयास करना होगा। और अगर कोरोना का जो माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो एक बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि नए शहर में कोरोना का जिस तरीके से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है वो ज्यादा अनुशासित तरीके से यहाँ की जनता कर रही है, जबकि पुराने शहर की जनता इसको जो है बहुत ही लाइटली ले रही है। और वहाँ के जो है आज हम चूंकि काजी कैंप तक भी हमने भ्रमण किया था, गए थे जो है रिपोर्टिंग के लिए, तो वहां हमने देखा कि जो पुलिस वाले हैं वो सिर्फ समझाइश देकर छोड़ दे रहे हैं, लिहाजा सड़क पर खासी बैरसिया रोड और काजी कैंप की जो रोड है वहां पर खासी भीड़ देखने को मिली और सामान्य दिनों की तरह ही लोगों की आवाजाही वहां पर थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके लिए एक चुनौती है, और इसको अगर उन्होंने पूरी तरह से ठीक नहीं किया तो आने वाले समय में, जैसे कि मैंने आपको जहांगीराबाद का उदाहरण बताया, इस तरह से कंटेनमेंट एरिया जो है और जब जांच की जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि पुराने शहर में ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलना शुरू हो जाए। तो इस पर जो है पुलिस को खासा, पुलिस अधिकारियों के जो आला पुलिस अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, अब पुलिस कर्मियों को भी मिलने लगा, उनके परिवार को भी मिलने लगा है। तो मैंने भी आज देखा कि काफी दूर से वो आप कहाँ जा रहे हैं, परिचय पत्र भी बड़ी दूर से देख रहे हैं, तो ये अब उनकी भी लगता है हिम्मत, हालांकि वो हिम्मत नहीं हारने वाले, लेकिन वो भी थोड़ा सा घबराए हुए हैं ऐसा लगा। निर्मल
देखिए भाई, मैंने आपसे कहा कि नए शहर में तो पुलिस जो है सख्ती दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो जो है सड़क पर उतरती है, ना सिर्फ उतरती है बल्कि लोगों से पूछ भी रही है कि भाई आप कहाँ और किस लिए जा रहे हैं। कुछ पूछताछ होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जो फालतू घूमने वाले लोग रहते हैं उनमें एक भय का वातावरण निर्मित होता है। ये जो आपने चीज बताई ये पुराने शहर में नजर नहीं आ रही, यही वजह है कि वहां पर जो है काफी संख्या में लोग सड़क पर घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों पुराने और नए शहर का ये अंतर को पाटना जो है निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि 20 तारीख तक वो लोगों के एटीट्यूड पर नजर रखेंगे, और यहाँ कहा तो यहाँ तक गया है कि थाना स्तर तक उनकी निगाह है। अब देखने वाली बात यह है, अगर ऐसा सही है तो आने वाले समय में हो सकता है कि पुराने शहर वालों को जो है ज्यादा सख्ती का जो है ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़े, बल्कि उस समय अगर देखा जाए तो नए शहर वालों को कुछ आनुपातिक रूप से छूट मिल सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल आप हमें सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हेम कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं, विजयपुर से है, विजयपुर शिवपुर जिले का ही तहसील है। हेम कुमार जी, क्या स्थिति है विजय शिवपुर में जो मिले हैं, जिले में तो मिले हैं, क्या विजयपुर में भी मिले हैं? देखिए सर, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि विजयपुर में अभी तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। 5 लोग थे, उनकी निगेटिव जांच निगेटिव आई है 5 लोगों की। तो क्या विजयपुर से कुल 5 सैंपल लिए गए? कितने सैंपल लिए गए विजयपुर से? कुल 5 सैंपल लिए गए थे और 5 सैंपलों की जांच निगेटिव आई है। तो क्या वहाँ ऐसा कोई संदेह भी नहीं मिला क्या? और देखिए दीपक शर्मा, शिवपुरी के दीपक शर्मा जी थे, उनकी किसी भोजन में सम्मिलित हुए थे एक परिवार यहाँ का, तो वो परिवार को प्रशासन ने जैसे ही सूचना मिली तो प्रशासन को पता चला और उस परिवार से 2 लोग थे, दोनों लोगों को होम क्वारंटाइन कराया गया था और होम क्वारंटाइन के बाद से उनको दोनों परिवार 2 लोगों को जांच ली गई तो उनकी जांच निगेटिव आई गई है सर। लेकिन दीपक जिनका आप बता रहे हैं उनकी भी तो शायद निगेटिव आई है रिपोर्ट बाद में? सर पहले, उससे पहले सर उन पॉजिटिव आई थी जो की दुबई से लौट कर आए थे सर, बाद में निगेटिव हो गए जी। अब वो कहाँ है जी? ग्वालियर से भर्ती थे और अब उनकी निगेटिव जांच आ गई, अब शिवपुरी अपने घर वापस आ गए। अच्छा, तो आपके यहाँ विजयपुर में क्या स्थिति है प्रशासन की? क्या राशन पानी मिल रहा है, सब्जी भाजी वगैरह मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ का जो प्रशासन है पूरे तरीके से सचेत है और पूरे तरीके से मुस्तैदी से खड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त करने को यहाँ का प्रशासन तैयार नहीं है और बार बार जनता से अपील कर रहा है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। और नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सब्जी भाजी वगैरह मिल रही है आपको, किराने का सामान मिल रहा और मिल रहा तो कैसे मिल रहा है? क्या होम डिलीवरी हो रही है कि कुछ दुकानें खुली है? सर दुकानें तो नहीं खुली हैं, लेकिन बारों में मोबाइल से ऑर्डर देकर बारों में जो ड्यूटी लगाई गई है किसी अन्य कर्मचारियों की, वो बारों में घर घर सप्लाई जाकर कर रहे हैं। महंगा तो नहीं दे रहे? नहीं सर, वही जो रेट शासन ने फिक्स किया उसी रेट पे दे रहे जी? शासन ने जो रेट फिक्स किया उसी रेट पे दे रहे जी? जी हेमकुमार, सवाल यह है कि जो राशन वहां पर मिल रहा है, जरूरत का सामान मिल रहा है, वो कहीं ज्यादा महंगा तो नहीं मिल रहा है? जो दाम है उचित मूल्य में मिल रहा है ना? नहीं सर, जो दाम है उनकी रेट चिपका दी गई है और प्रशासन द्वारा बार बार मूवमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है दुकानों पर जाकर, और जो रेट है वाकई में उसी रेट में सामान घर घर जाकर पहुंचाया जा रहा है और वही रेट दिया जा रहा है। तिवारी जो है, मंडी है क्या, अनाज मंडी है? आज से शासन ने गेहूं खरीदी का काम चालू किया है, तो क्या वहाँ आज मंडी में कुछ किसान आए हैं क्या, या प्रशासन के लोग उनके खेतों तक गए होंगे, खलिहानों तक जो खरीद दे, ऐसी कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मंडी में प्रशासन द्वारा 54 व्यवस्था की गई थी और अभी आज एक भी मंडी में फसल की सप्लाई नहीं हुई। आज तो आज कोई भी किसान नहीं आए? कोई भी किसान नहीं आया कहीं से भी। वहाँ जो किसान सब्जी उगा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है सब्जी मंडी तक? सब्जी मंडी से सर थोक में ला रहे हैं सामान और घर घर जाके गली गली बार बारों में जाकर टीनों के द्वारा दिया जा रहा है सर। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों की सब्जी जाने दे रहे हैं क्या? वो बेचना चाहे तो कहाँ बेच रहे हैं? सर बिल्कुल, किसानों की यहाँ गाँव में जा जाकर हर तरीके के सर प्रशासन ने इंतजाम किए सर। प्रशासन को बेच रहे हैं कि गाँव
मोहल्ले मोहल्ले जाके बेच रहे हैं सब्जी किसान लोग। सर प्रशासन द्वारा एक कार्ड जारी किया गया था, जो किसान है उनका जो सब्जी के ठेले लगाते हैं या सब्जी की दुकानें लगाते हैं वो गांव गांव में जाकर और प्रशासन द्वारा हर वार्डों में, जैसे कि 15 वार्ड है तो 15 वार्डों में एक ही ठेले लगा दिए गए हैं, उनके पास बना दिए गए हैं और वो पास वहीं पे जाकर जो व्यक्ति का पास बना गया वो ठेला उसी गली में लगा रहा है और जिससे की भरपूर मतलब सामान और सब्जी मिल रही है। चलिए और कोई सवाल तो नहीं हेम तिवारी जी को धन्यवाद। एक और सवाल है एम कुमार से, जिस तरह से श्योपुर से हमारे सहयोगी जुगल किशोर शर्मा बता रहे थे कि बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा, तो क्या विजयपुर में भी यही स्थिति है? सर विजयपुर की अगर बात की जाए तो विजयपुर में लॉकडाउन का पालन पूरी अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि बार बार पुलिस प्रशासन हो चाहे नगरीय प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य प्रशासन हो बार बार मूवमेंट कर रहा है और यहाँ के नाके हैं बिल्कुल सील्ड किए गए हैं, क्योंकि मुरैना और श्योपुर की सीमाएं मिलती हैं और सवलगढ़ से विजयपुर की करीबन 35 किलोमीटर की दूरी है। तो क्या चौधरी मुरैना जिले में चौधरी संक्रमित मरीज पाए जाने से यहाँ पे पहले ही ऐसे इंतजाम किए गए थे, चौकी पूरे नाके सील्ड कर दिए गए थे जिससे कि आने जाने वाले कोई भी लोग नहीं आ पाए और जो लोग हैं वो घरों में रह रहे हैं, प्रशासन द्वारा बार बार अपील की जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका सारी जानकारी देने का। प्रमोद जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता, प्रमोद से समझ लेते हैं। प्रमोद क्या कुछ नई जानकारी अभी मैंने आपको सुनवाया विजयपुर का हालात, जहां आज से खरीदी चालू हो गई है ये कहा गया है, शासन ने निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि मंडी में आज एक भी किसान नहीं आए, ये भी जानकारी उनको नहीं है कि प्रशासन का कोई व्यक्ति उनके खलिहान तक गया हो और खरीदा हो। देखिए सरकार ने कई तारीखें दी थी कि गेहूं उपार्जन, लेकिन उन तारीखों पर निश्चित तौर पर नहीं हो पाया, लेकिन पूरी तैयारी सरकार ने की है कि आज से गेहूं का जो समर्थन मूल्य पर है वो खरीदारी हो। भोपाल उज्जैन और इंदौर को छोड़ दें, यदि हम जो हॉटस्पॉट हैं जो रेड जोन है कोरोना संक्रमण के उनको छोड़कर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आज से पूरी शुरुआत की है कि गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाए। हालांकि कुछ जिलों में ये खबर आ रही है कि सर्वर डाउन के चलते जो किसानों तक SMS पहुंचने चाहिए थे वो SMS नहीं पहुंचे हैं और पूरी प्रोसेस इस तरीके से बनाई है समर्थन मूल्य की कि मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं वो 4,305 केंद्र बनाए गए, तमाम जिलों में 3 जिले भोपाल उज्जैन और इंदौर को छोड़कर, इनमें 21 लाख किसानों के जो गेहूं है वो समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 1925 की दर से खरीदारी होना है और जो केंद्र है उन पर बेहद एहतियातन तौर पर व्यवस्था की गई है, डॉक्टर मौजूद रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और साबुन और सैनिटाइजर इसके अलावा तमाम वो संसाधन मौजूद रहेंगे जिससे कोरोना से बचा जा सके। और इसके अलावा बेहद अहम ये है कि एक दिन में महज 6 किसानों को SMS जारी किए जाएंगे, अलग अलग उनकी तुलाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन जिलों में अभी तक जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि किसानों के पास ऑनलाइन SMS नहीं पहुंचे हैं वो कब तक पहुंच पाते हैं क्या हम आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ अमन सक्सेना जुड़ गए हैं मुरैना से, मुरैना भी काफी हॉट स्पॉट होता जा रहा है, अब तक कितने पेशेंट मिल गए मुरैना में अमन? बिल्कुल मैं बता दूं कि मुरैना में अभी तक 14 पेशेंट मिले थे जिनमें से कल 7 पेशेंट ठीक होकर अपने घर वापसी हो चुकी है, हॉस्पिटल जिला प्रशासन के द्वारा उनकी छुट्टी कर दी गई, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल 60 पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए गए, 60 पेशेंट नए जो पाए गए हैं वो ग्वालियर में ही होंगे निश्चित तौर पे, क्या जो 7 पेशेंट नए पाए गए हैं उनके परिवार वालों के भी सैंपल लिए गए? बिल्कुल सर मैं आपको बता दूं जो पहला केस था यहाँ पर मुरैना में और उसी के परिवार के सारे ही लोग पॉजिटिव थे और उन्हीं में से 7 लोग की अभी कल छुट्टी हो गई है, 7 लोग बाकी जो रह गए उनकी रिपोर्ट कल आना शेष है, उनकी रिपोर्ट का भी ये बताया जा रहा है क्योंकि उनकी हालत जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल कोई भी सिम्टम नहीं है उनके अंदर, तो आप देख सकते हैं कि ये 7ों भी बिल्कुल छुट्टी होने की कगार पर है। जो पहले पेशेंट पाए गए थे उनकी उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल उनकी भी कल छुट्टी कर दी गई है। सबसे खुशी की बात ये है कि मुरैना में जो फर्स्ट कोरोना कैरियर जिन्हें बोला जाए जो मुरैना में कोरोना को कैरी करके लाए थे उनकी भी कल छुट्टी हो गई है सुरेश बरेंदा जी की। कुल सैंपल मुरैना में कितने लिए गए? बिल्कुल सर मैं बता दूं कुल सैंपल मुरैना में 305 सैंपल लिए गए थे जिनमें से अभी तक 261 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई और जिसमें 224 लोग नेगेटिव हैं और 14 लोग पॉजिटिव थे जिनमें से 7 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो यूं बनता है कल तक का आंकड़ा 224 लोग नेगेटिव रिपोर्ट और 7 पॉजिटिव,
ये है कल तक का आंकड़ा। ये जो 60 पेशेंट पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, ये क्या घनी बस्ती में रहते थे, किस बस्ती में रहते थे, ये बताएंगे तो शायद मुरैना के बाकी लोगों को मालूम पड़ जाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये मुरैना के बॉर्ड क्रमांक 43 के एक ही घर के निवासी थे, जो कि 13 लोग थे और एक उनके सामने वाले घर के थे, जो कि 14वां पेशेंट जो बोला जा सकता है, वो अलग समाज अलग समुदाय से उनके सामने वाले थे, जो उनके सामने रहने के कारण संपर्क में आए थे, और ये 14 के 14 पेशेंट जो है वो एक ही वार्ड के एक ही गली के हैं। अनाज मंडी भी शुरू हो गई है तो उसके भी पूछ लेते हैं अमन से, अनाज मंडी शुरू हो गई है तो वहाँ पर क्या स्थिति है मुरैना में अमन? बिल्कुल, आपको प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सभी जिला प्रशासन के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, हर तरीके से मुस्तैदी दिखाई जा रही है, किसी भी प्रकार की चूक जिला प्रशासन मुरैना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और पूरी तरीके से अनाज मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराकर किसानों को लाया जा रहा है, उनकी जो ट्रैक्टर से उनकी जो फसल आ रही है वो लाई जा रही है। मंडी मतलब खुली है, वहाँ कुछ किसान आए हैं आज, उनसे उनके गेहूं खरीदी हुई है? बिल्कुल, उनकी गेहूं खरीदी प्रारंभ हो चुकी है मुरैना में। अमन, मुरैना हॉटस्पॉट बन चुका है, 14 मरीज सामने आ चुके हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि 7 ठीक भी हो चुके हैं, तो वहाँ पर लॉकडाउन के बीच लोग कैसे जी पा रहे हैं, किस तरह की चीजें इंतजाम वहाँ किए गए हैं, राशन के लिए दुकानें कब तक खुलती हैं, खुलती हैं तो कितनी देर बजे, कितने बजे खुलती हैं, फिर ऑनलाइन डिलीवरी राशन की हो रही है, कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ, यहाँ पर मुरैना में राशन की दुकान, सब्जी की दुकान, कोई भी दुकान नहीं खोल रही है, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर प्रियंका दास के द्वारा कैसे व्यवस्थित इंतजाम किए गए हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि राशन की जो गाड़ियाँ हैं वो डोर टू डोर जा रही हैं, सब्जी के जो लोग हैं, सब्जी वाले जो ठेले हैं उनको नगर निगम के पास इसी किए गए हैं, जिनका समय 6 बजे से सुबह 11 बजे तक का रखा गया है, राशन की गाड़ी दिन भर घूमती है, जिनसे लोगों को उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग हैं वो केवल घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनका राशन उन तक पहुंच सके। चलो, मतलब ये अच्छी खबर है अमन की, गेहूँ खरीदी किसानों, बाकी किसान जो सब्जी उगा रहे हैं उनको, वो कहाँ अपनी सब्जी बेच पा रहे हैं, किस जगह पे? सब्जी वाले जो किसान हैं अगर उनका मैं बताऊं तो वो जरूर थोड़ा नुकसान का सामना जो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो सब्जी है वो लगातार उनका जो निकलना है सब्जी को लेकर वो जाते हैं मंडी में, तो उस तरीके से जो हर समय सेल होती थी वो नहीं हो पा रही है, परंतु बाकी सारे किसानों का ये है कि फसलों का अनाज स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए, फिर प्रमोद के पास चले अमन। हाँ, और प्रमोद थोड़ा सा ये जानकारी, इसके पहले आपने पास बनने की, किस तरह से पास बनाए जाते हैं, किस तरह से, तो इस तरह बहुत सारी शिकायतें आ रही, ऑनलाइन लोग जमा कर रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है, ऑफलाइन कितने, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है कितने पास बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, कितने ऑफलाइन आवेदन हुए हैं? देखिए, जो ऑनलाइन पास आवागमन करना है, जो लॉकडाउन में लगातार लोग फंसे हुए थे, प्रशासन ने जो पहल की थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन की जगह यदि ऑनलाइन की भी शुरुआत की जाए, तो लोगों का दफ्तरों के आसपास भटकना और सोशल डिस्टेंसिंग के को ध्यान में रखते हुए लिहाजा ये शुरुआत की थी, लेकिन देखिए आंकड़े यदि देखे जाए तो 15,000 ई पास के लिए अप्लाई किया गया है और जिनमें से महज 249 से के आसपास ही ई पास जारी किए गए हैं और तकरीबन 350 जो पास हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं, बाकी पेंडिंग है, तो एक बड़ा आंकड़ा साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए कई के पास एक वाजिब वजह नहीं है कि उन्हें कहां पर जाना है और किस वजह के चलते ये ई पास के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, तो कई लोग जो शरारती तत्व हैं वो घर पर बैठे बैठे भी ऑनलाइन पास के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें देखिए प्रशासन को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि संख्या लगातार बढ़ रही है, जो वाजिब कारण है जिनको वाकई में जाना है उनको त्वरित पास जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में देख लीजिएगा कई लोग ई पास में परेशान भी हो रहे हैं। ऑफलाइन यदि पास की हम बात करें तो देखिए ऑफलाइन में प्रशासन को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन फील्ड भी मैं भी डटे हुए हैं, वहां का भी मोर्चा संभालना पड़ रहा है और दफ्तरों में भी ई पास जारी करना होता है, ऐसे में बड़ी विडंबना है, तो लोगों की परेशानी मुझे नहीं लगता है कम हो रही है, वो लगातार जस की तस बनी हुई, हालांकि ऑनलाइन पास जारी करने में प्रशासन को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठीक तरीके से वो कारण नहीं प्रशासन समझ पा रहा है कि आखिरकार कोई व्यक्ति पास क्यों लेना चाहता है। प्रमोद हम आपके पास तुरंत आएंगे फिर से, राकेश तोमर हमारे साथ अम्बाह से जुड़ गए हैं, अम्बाह मुरैना की तहसील है, राकेश क्या स्थिति है अम्बाह की, अम्बाह काफी चर्चित रहा है।
जी मैं बताना चाहूंगा जो अम्बा का अभी माहौल है वो लॉकडाउन की वजह से पूरा बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अम्बा में जो बाजार हमेशा गुजार रहा करता था वो बाजार बिल्कुल बंद है और लोगों की आवाजाही एकत्र के लोग जरूर आ जा रहे हैं लेकिन जिन्हें बहुत ही ज्यादा कार्य है या फिर किसी मेडिकल विशेष कार्य की वजह से लोग आ जा रहे हैं वो भी मेडिकलों से गुजर रहे हैं। और यहाँ तक अगर देखा जाए अम्बा का मामला है तो यहाँ पर पूरा लॉकडाउन का असर साफ दिखाई दे रहा है। जी राकेश वहाँ से भी सैंपल लिए गए हैं क्या अम्बा से? जी अम्बा से दो सैंपल लिए गए थे और दो ही सैंपल निगेटिव आए हुए हैं। यहाँ पर थर्मल स्क्रीन 4,000 लोगों की की गई थी और जिसमें से जो भी सैंपल यहाँ से भेजे गए थे ग्वालियर के लिए वो सारे सैंपल निगेटिव आए हैं। जी सुनिए आपके सज्जन आपके बगल में कोई सज्जन खड़े हैं कुछ बताना चाह रहे हैं लगता है। जी जी सर बताना चाह रहे हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार लॉकडाउन की वजह से उन्हें यहाँ पर क्या परेशानियां हो रही हैं या फिर लॉकडाउन जो मोदी जी ने आह्वान किया है उसको लेकर उनका क्या कहना है। सर बताएंगे जो लॉकडाउन हुआ है किस दिन का जो लॉकडाउन गुजर चुका है उसके बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं लोग क्या उनकी राय है लोगों की? लॉकडाउन तो बड़ी आसानी से निकल गया लेकिन जो राष्ट्रीय जो सेकेंड लॉकडाउन का निर्णय लिया है उसे भी आदमी बड़ी शांतिपूर्वक करना चाह रहा है। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जो मेडिकल स्टाफ है डॉक्टर स्टाफ पूरा पुलिस प्रशासन इसमें हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। बस जरूरत है गरीब और जरूरतमंद तक जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं उनके लिए भोजन उपलब्ध हो और यहाँ के सामाजिक संगठन हैं उन्होंने बड़ी तरीके से यहाँ हैंडल किया हुआ है। अब प्रशासनिक जो मदद है वो कई स्तर से पहुँच रही है यह प्रशासन के थ्रू माध्यम से चले गए सामाजिक संगठनों में यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ है। कौन कौन से सामाजिक संगठन है जो लोगों को आनंद है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है और मुस्लिम कल्याण संगठन भी चल रहा है तो ये जितने भी जरूरतमंद को खाना उपलब्ध करा रहे हैं बहुत अच्छा इनका रूपरेखा प्लानिंग चल रही है। जी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो समाज सेवी संगठन है वो बाकायदा जो लोग हैं जो मजदूर वर्ग है उनकी कहीं ना कहीं मदद जरूर कर रहा है और मदद किसी को राशन देकर मदद कर रहा है या फिर किसी को खाना वितरण करके मदद कर रहा है। और यहाँ पर स्वयं सेवी संगठन है जो ये वितरण कर रहे हैं इनकी स्टोरी आप जरूर बना के भेजिए हमारा चैनल कोरोना वायरस नाम से एक प्रोग्राम चला रहा है 9:30 बजे रात में भी है सुबह 9:30 बजे उसको रिपीट करते हैं। ऐसे लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन हो इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष प्रोग्राम चलाया है। खैर राकेश कुछ ऐसा ये जहां से संदिग्ध मिले थे जिनके सैंपल लिए गए हैं मात्र दो सैंपल पूरे अंबार से लिए गए हैं तो क्या उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा जो अम्बा से सिर्फ एक सैंपल लिया गया था जो वार्ड नंबर 14 की एक महिला थी उनका सैंपल लिया गया था और उसके बाद में गया है रैन बसेरा जो हॉस्पिटल का जो रैन बसेरा है जो पेशेंट के साथ में उनके घर वाले आते हैं उनके लिए जो बनाया गया था तो ऐसा ही तौर पर यहाँ पर जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था उसमें दो दिन तक उस महिला को रखा गया था और उसके बाद जैसे ही उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई उसके बाद में उस महिला को उसके घर पर भेज दिया गया है और वहीं पर उसे क्वारंटीन किया जा रहा है। जी राकेश कोरोना के कर्मवीर के नाम से प्रोग्राम रात को 9:30 बजे चलाते हैं और आप भी अपनी माँ से स्टोरी भेजो उसको भी हम यहाँ से चलाएंगे जिससे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो योद्धा हैं उनका भी हौसला बुलंद होगा हौसला अफजाई होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो अम्बा में भी स्थिति त्रिपाठी जी काफी नियंत्रण में है और जो सैंपल एकमात्र और बढ़े हैं हाँ तो वो मतलब मुझे लगता है कि अब लेकिन अब वो कितने लोगों से मिले हैं जैसा उन्होंने कहा कि सामान्य सामने रहते थे उस परिवार के दूसरे समुदाय से है उनको निकल आया है तो निश्चित तौर पर साथ तो ठीक हो ही गए और साथ ग्वालियर में उनका हेलो हाय कर लिया होगा उनके साथ इस कारण ये हो सकता है। एक बार प्रमोद के पास फिर से चलते हैं। प्रमोद आप बता रहे थे ऑनलाइन ऑफलाइन तो कुल मिला के रीजन सही नहीं बता पा रहे हैं लोग और रीजन क्या बताएं जिससे वो पास बने?
देखिए, यदि किसी को गंतव्य स्थान तक जाना है और प्रशासन को बिना कोई परेशानी के उसे ई पास जारी करना है तो उसे वो एक लॉजिक बताना होगा, कारण बताना होगा। तो देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो ऑनलाइन पास लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें बड़ी समस्या निकल कर सामने यही आ रही है कि लोग ठीक से अपनी वाजिब कारण नहीं बता पा रहे हैं। किसी को भोपाल से जैसे रीवा जाना है तो उसके पास एक वाजिब कारण नहीं, आखिरकार वो क्यों जाना चाहता है। और यदि किसी को आपातकाल में किसी को वहाँ पर तबीयत खराब है इसके इस चलते जाना है तो उसे पास जारी किया जा रहा है। लेकिन कई लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए स्टूडेंट हैं वो उनको ऐसे संकट की घड़ी में कहीं ना कहीं प्रशासन बचता नजर आ रहा है, क्योंकि संभवतः वो यहाँ से कोई वायरस वहाँ फैला सकते हैं या फिर वो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, तो प्रशासन फिलहाल ऐसे लोगों को पास जारी करने से बचता नजर आ रहा है। देखिए, दूसरी राहत भरी खबर ये है कि जो किराने की दुकानें बंद हैं उन्हें भी ई पास की अब ई पास देना अब प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इसके लिए www.kiranapass.com एक वेबसाइट खोली गई है। वेबसाइट पर जो किराना व्यापारी हैं, जो दुकान व्यापारी हैं जिनकी दुकानें नहीं खुल पा रही हैं, लोग उन मोहल्लों के परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए प्रशासन का ये बड़ा फैसला है कि वो दुकानें किराना अब वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे। वेबसाइट बताइए, वेबसाइट एक बार फिर बताइए कौन सी। www.kiranapass.com इस पर अप्लाई करेंगे वो दुकान संचालक, और उन्हें कुछ जानकारी देनी होगी, अपना नंबर और मेल आईडी देनी होगी। उन्हें एसएमएस के जरिए मोबाइल और मेल आईडी पर एसएमएस मिल जाएगा और जिसके बाद वो अपनी दुकान नियमानुसार खोल सकेंगे। तो देखिए, लगातार सरकार जो लोग हैं उनकी राहत के लिए लगातार कदम उठा रही है। ई पास ये सुविधा शुरू की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गंतव्य स्थान पर जाने वाले आवागमन करने वाले लोगों के लिए हालांकि खासी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। एक बड़ी कारण ये भी निकल चले प्रमोद, हमारे साथ ऋषिकेश शर्मा जुड़ गए हैं, हम उनके पास जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी दी है ऋषिकेश। कैलारस एक ऐसी जगह है जहां चुनाव के कांग्रेस को संजीवनी मिली थी। कैलारस और मुंगावली दो उपचुनाव हुए थे और ये उपचुनाव में कांग्रेस जीती थी और उसके बाद संजीवनी और फिर सरकार बनी और 15 महीने में जाती रही। कैलारस की क्या स्थिति है, कैलारस में कितने सैंपल लिए गए हैं ऋषिकेश? कैलारस में क्वारंटाइन रखा है, पूरी तरीके से यहाँ स्टाफ की पूरी व्यवस्था है और यहाँ आपकी फोन से आवाज, तकनीकी कारण आवाज सही ढंग से नहीं आ रही, फिर से बताएं कैलारस में कितने सैंपल लिए गए? कैलारस के 16 सैंपल लिए गए थे जिनमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं और इनको क्वारंटाइन के लिए मुरैना भेजा गया था। अच्छा, क्वारंटाइन उनको मुरैना में किया गया, 16 सैंपल लिए गए, सभी नेगेटिव पाए गए। कैलारस में अभी यहाँ एक तो मॉकडाउन था, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और यहाँ उसको एहरोली गांव का है रहने वाला निजामुद्दीन मीर मोहम्मद खान, जिसका पता लगा था कि ये मरकज में वहाँ दिल्ली गया था, उसको वहाँ से तुरंत उठा के और उसको पता किया गया था, लोकेशन मिलनी थी कि ये मरकज में गया है, जब उससे पूछा गया था तब मना कर रहा था, उसको तुरंत यहाँ पे मुरैना में क्वारंटाइन किया गया उसको। ये कैलारस के थे जो मरकज में गए थे? अभी कोई पॉजिटिव नहीं है, यहाँ प्री नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। नहीं, जो मरकज में जो गए थे वो कैलारस के रहने वाले थे, उनको प्रशासन ने अपने उसमें लेकर के क्वारंटाइन कर दिया है। कैलारस के रहने वाले थे जो मरकज में गए थे? कैलारस के रहने वाले थे, उनको जैसे ही पता चला था तो उसको वहाँ से उठा के प्रशासन ने तुरंत ही उसका सैंपल लिया और उसको तुरंत अभी भी मुरैना में ही है, क्वारंटाइन किया गया उसको। और बाकी उनके परिवार वालों से? परिवार वालों से कोई नहीं रहा है, लेकिन यहाँ जो मुरैना में जो बनेटा परिवार था उस बट्टा परिवार में जो 12 पॉजिटिव पाए गए थे उनके रिश्तेदार यहाँ हलालपुरा कैलाश के पास में है, वहाँ जरूर 16 लोगों का सैंपल लिया गया था मुरैना में, उनको वहाँ आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था मुरैना, और बाद में जब रिपोर्ट आई थी तब उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी बट्टा यहाँ हलालपुरा में रहने वाले। नहीं, तो कैलाश जो मरकज में गए थे उनके परिवार वालों के सैंपल नहीं लिए गए? मरकज में जो गए थे उनके सैंपल, उनको सैंपल लिए गए थे और उनको घर में ही होम क्वारंटाइन किया गया है। तो जो उनके परिवार वालों सैंपल लिए थे वो निगेटिव आए हैं क्या? नेगेटिव आई है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है उनकी।
सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। चलिए कैलारस में कुछ किराने की दुकान सब्जी वगैरह से कैसे व्यवस्था हो पा रही है आम लोगों का? प्रशासन ने व्यवस्था की है, मंडी तो बंद कर दी है मंडी, क्योंकि उससे लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा था तो उसको तो बंद कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था की है गली मोहल्लों में ठेला लगाकर और उनको सब्जी वगैरह वहाँ स्थानीय स्तर पर ही पहुँचाई जा रही है, प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। वहाँ कृषि मंडी है क्या? और मंडी है तो क्या किसान आ रहे हैं वहाँ? कृषि मंडी बंद की गई है, 22 मार्च से ही बंद है कृषि मंडी वो उसी समय से ही। अभी अलग मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि आज से अलग अलग 6 किसानों के जो समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदी जाएगी, तो खरीदी चालू हुई वहाँ? नहीं, अभी चालू होगी और स्थानीय स्तर पर ही चालू की जाएगी, मंडी को अभी नहीं खोला जाएगा। प्रशासन का ये कहना है कि जैसे एक ग्राम पंचायत या दो ग्राम पंचायत ऐसे रखी जाएंगी, उसमें एक दिन यहाँ पर लिया जाएगा समर्थन मूल्य पे, फिर दूसरी जगह ले लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हो सकेगा और स्थानीय स्तर पर उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कलेक्ट्रेट मंडी में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी, आपका एक अच्छी पहले की ग्राम पंचायत स्तर पर जाके लोगों को ये होने चाहिए। हाँ। नहीं तो किसानों की तो आगे बोनी आने वाली और इससे पब्लिक गैदरिंग भी नहीं होगी मंडी में, जून में पानी गिरेगा और फिर वाई होगी तो क्या उनके लिए तो बहुत मुसीबत है। सर संजय जुड़ गए, क्या है पिटारे में आपके संजय आज? सर जिस प्रकार से अभी तक शिकायत चल रही थी कि नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर हम बात कर रहे थे कि नगर निगम की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ढिलाई देखने को मिल रही थी, लेकिन आज और कल से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में इस टाइम रियली काम करने के मामले में अब आगे निकल के आई है। नगर निगम ने जिस प्रकार से अगर हम बात करें कि छोटे जो मोहल्ले में या अन्य जगह सब्जियां नहीं पहुंच पा रही थी या उनके तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी, उनको लेकर नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। जब ये शिकायतें मिल रही थी कि नगर निगम के जो ठेले हैं और जिनको परमिशन दी गई है उनके द्वारा महंगी सब्जी बेची जा रही है, तो उसको लेकर जो कलेक्टर है और नगर निगम आयुक्त है उनने सख्त कदम उठाते हुए, जिस प्रकार कल आपने कहा था कि हम एक लिस्ट बताते हैं जिसमें सब्जियों के भाव तक तय कर दिए गए हैं, उनका ये कहना है कि अगर अब कोई आदमी या कोई जो फेरी वाला है इस रेड लिस्ट के सिवा अगर सब्जी बेचेगा या अधिक भाव में जनता को देगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी निरस्त करके उसको सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यही अगर देखा जाए तो नगर निगम के साथ आज खुश है। आज क्या बात है, एक कहावत है छिन में पल में लल्लू पल में लाल पल में लल्लू भाई बेहाल, मतलब कल बहुत नाराज थे आप, आज बहुत थोड़ा सा नगर निगम के मतलब काम को देखकर आप खुश हो गए हैं, थोड़ा सा लिस्ट बताएंगे आम जनता ये जानना चाहेगी। बिल्कुल सर, लिस्ट मेरे पास है, अगर मैं आपको बता दूं जिला प्रशासन ने जो रेट लिस्ट तय की है, अगर आलू देखा जाए तो आलू जो अगर मार्केट में इस टाइम अगर देखा जाए तो सबके घरों में अपनी सुरक्षा के हिसाब से वो जमा करके रखते हैं, तो आलू का रेट जो इन्हें तय किया है अभी 30 रुपए रेट तय किया है कि इससे ज्यादा कोई आदमी नहीं बेचेगा। प्याज को लेकर जहां प्याज लोगों को रुला रही थी अभी तक 50 रुपए किलो तक बेच रहे थे और लोगों को लेकर इसमें बहुत सारी बढ़ातियां थी, तो इसके भी रेट इन्हें फिक्स करके 25 रुपए किलो कर दिए गए। और लहसुन जो जरूरत का सामान मसाले की जो सब्जियां खाते हैं उनके लिए है तो उनके लिए 75 रुपए किलो के हिसाब से लहसुन का भी भाव तय कर दिया है। बैंगन का भी इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो बैंगन भिंडी ककड़ी इनके भी भाव इन्हें फिक्स कर दिए गए। बैंगन को देखा जाए तो बैंगन इन्हें 20 रुपए किलो और जो भिंडी है उसे भी 20 रुपए किलो के हिसाब से इन्हें पूरे रेड लिस्ट जितनी भी सब्जी है उस हिसाब से तय कर दिए गए। यहाँ तक कि अगर प्रशासन ने देखा तो धनिये तक का भाव इन्हें फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा अब कोई नहीं लेगा। और अभी भी शिकायत जो मिल रही है कि भाव अगर बढ़ा के बताते हैं तो जो प्रशासन जिला प्रशासन नगर निगम ने जो है इन अधिकारियों के भी नंबर हमारे पास दिए हैं इस लिस्ट में जारी करा है कि अगर कोई जो सब्जी ज्यादा भाव में बेचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के भी नंबर दे दिए गए। ये अधिकारी वार्ड वाइज जाकर अगर इनके पास शिकायत आती है तो ये वार्डों में जैसे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 वार्ड के संजय एक मिनट रोकेंगे हम आपको, निश्चित तौर पर अधिकारियों के नंबर कितने अधिकारी हैं इसके अधिकारियों के नंबर भी फ्लैश करेंगे अपने यहाँ की, अगर कोई रेट में ज्यादा है तो हम ब्रेकिंग उसमें चलाएंगे। हम आपके पास आए हमारे साथ रायसेन से इलियास खान जुड़ गए हैं। इलियास, रायसेन में क्या स्थिति है? सर रायसेन की स्थिति
राशन की स्थिति के बारे में आपको ये बता दूं कि राशन की स्थिति अभी तक से जो थी वो ठीक थी, मगर जिस दिन से आज तारीख जो पहला पेशेंट मिला उसके बाद 14 तारीख को दूसरे 3 पेशेंट और आने के बाद राशन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसमें से 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 3 नंबर और 1 नंबर और 16 नंबर और 18 नंबर को पूरी तरह से जिला प्रशासन ने सील कर दिया गया है। ये नंबर जो बता रहे हैं ये वार्ड है क्या? वार्ड है ये वार्ड नंबर है, क्योंकि इन वार्डों के अंदर ही सबसे पहले जो पेशेंट मिला था वो वार्ड नंबर 6 से मिला था और उससे लग के ही वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 3 पेशेंट फिर एकदम जो है पॉजिटिव आए, उसकी वजह से पूरे रायसेन के जो ये वार्ड है इनको सील कर दिया है। जिस तरह से आप सर देख रहे हैं कि पुलिस की मुश्ते दी है, किसी को भी इन वार्डों में जाने की परमिशन नहीं है और न ही किसी को घर से निकलने की परमिशन है। हाँ, अगर आपको राशन की जरूरत पड़ेगी तो राशन भी आपको ऑनलाइन आपको बुकिंग करनी है और आपके घर राशन पहुंचा दिया जाएगा। और ज्यादातर लोगों से जो बात की हमने या मीडिया ने बात की हमने, उन लोगों ने ये बताया कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पुलिस का भी बहुत सख्त चेहरा है और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से यही कोशिश कर रहा है यहाँ पर के घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, उसी तरह से इसको कोरोना को हम रोक सकते हैं, वरना किसी के भी बस में नहीं रहेगा। रियाज से पहले पेशेंट पाए गए थे, उनकी हिस्ट्री क्या है? कहीं बाहर से आए थे, विदेश से आए थे क्या? देखिए, जो पहला पेशेंट वार्ड नंबर 6 में हुआ उसकी बिल्कुल भी ऐसी ट्रेनिंग हिस्ट्री नहीं थी, वो इसने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की थी, मगर जब ये दूसरे जो पेशेंट आए ये जो थे ये इटावा और मंदसौर से आए थे और ये तबलीग जमात से ताल्लुक रखते थे, इनको रायसेन में प्रवेश नहीं करने दिया। रायसेन दरगाह शरीफ पे जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है ये क्वारंटीन इनको कर दिया गया था और इनकी जांच रिपोर्ट जो जब इनकी पहुंचाई गई तो इनमें से लगभग 53 लोगों की जांच रिपोर्ट पहुंचाई गई थी, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर रायसेन में थोड़ा सा सनसनी और थोड़ा रायसेन में सेंसिटिव एरिया हुआ है। ये अभी कितने कुल सैंपल और लिए जा रहे हैं, मैंने लिए गए हैं आज, पहले कितने सैंपल लिए गए थे? देखिए, टोटल जो है ना 190 सैंपल लिए गए थे, जिसकी पहली जो रिपोर्ट आई थी वो 35 लोगों की आई थी, वो 35 लोग जो थे वो निगेटिव आए थे, बहुत राहत की सांस ली थी प्रशासन ने। उसके बाद फिर जो है 50 सैंपल भेजे गए तो उस 50 सैंपलों में 53 सैंपलों में सिर्फ 3 सैंपल जो है ना वो पॉजिटिव आ गए, बाकी सब निगेटिव है। इसके मगर उसके बाद भी लोग 4 लोग जब यहाँ पर आए तो ऐसे सेंसिटिव एरिया हो गए। अभी सैंपल और लिए जा रहे हैं क्या? जी हाँ, सैंपल बिल्कुल अभी लिए जा रहे हैं। आज की डेट में जो 190 सैंपल लिए गए थे उसके बाद भी यहाँ पर है ना आज भी 26 सैंपल लिए गए और 26 सैंपल भोपाल एम्स में भेजे, उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि उनको जो था उन 26 लोगों को नजला जुकाम सर्दी और इन वार्डों के लोग थे जिस वार्ड में ये लोग पाए गए थे। और अब एक रात के साथ और आई है रायसेन में कि जो पहला पेशेंट वार्ड नंबर 6 में जिसका नाम रिजवान था उस जो पॉजिटिव हुआ था उसके परिवार के 12 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, उनके सैंपल भेजे गए, तो बहुत अच्छी बात यह रही कि वो 12 के 12 लोग पूरे जो निगेटिव पाए गए, तो रायसेन इसमें थोड़ा सा राहत की सांस है उसके लिए। जी सर, रायसेन की मंडी के बारे में पूछ लेते हैं, शासन के निर्देश हैं इलियास और अनाज मंडी वहां पर खुली हुई है? जी हाँ, आज से ही खुले गए हैं और आज ही एसएमएस आए और प्रशासन ने बहुत सख्त हिदायत दी थी किसानों को कि जिसके पास एसएमएस आएंगे सिर्फ उन्हीं को ही मंडी में आना है, वरना और किसी को नहीं आना। और प्रशासन ने फिर एक दूसरा काम ये किया है कि जगह जगह चेक पोस्ट लगा दिए हैं और एसएमएस चेक करे जा रहे हैं, उन्हीं को मंडी में प्रवेश करने दिया जा रहा है और आज से मंडी जो है ना उसकी सप्लाई चालू हो गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इलियास जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर संजय के पास चलते हैं। संजय, आप अपनी लिस्ट बता रहे थे और कुल कितने अधिकारी हैं जिनको कंप्लेंट कर सकते हैं अपन? बिल्कुल सर, इसमें अगर देखा जाए तो जो 85 वार्ड है उसके लिए यहाँ पे 10 अधिकारियों के नंबर जारी करे हैं जो नगर निगम के आयुक्त उपायुक्त उपायुक्त के पद पे हैं। अगर हम देखें तो 1 से लेकर 5 तक वार्ड में अगर कोई गलत मतलब भाव देता है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसके लिए वार्ड नंबर 1 से 5 तक इंसाफ धाकड़ सहायक आयुक्त है जिनका नंबर यहाँ दिया गया है और इनका नंबर है 9425
9425364703। इसी और अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से और मनोज श्रीवास्तव जो 18 और 19 नंबर जोन के जो अधिकारी हैं उनका भी नंबर है 9752702235। मनोज मौर्य जो है सहायक आयुक्त है वो ये वार्ड 15 जोन 15 और 16 के अधिकारी हैं, इनका नंबर है 8959928641। इसी प्रकार से 10 अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं कि आप अगर कहीं पे भी भाव को लेकर या किसी प्रकार की शिकायत आती है, जो ठेले वगैरह चल रहे हैं या जो सब्जी का वितरण कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है तो इन नंबरों पे आप सूचित करेंगे तो अधिकारी वहां पहुंच कर ये बताया गया कि 1 घंटे के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसके लाइसेंस तक निरस्त कर दिया जाएगा और उसे आगे